लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने एवं जिला प्रशासन के आदेश के बाद मथुरा में समाज सेवियों द्वारा बांटे जा रहे भोजन पर पाबंदी कर दी गई, जिस कारण गरीब एवं असहाय परिवारों तक जिला प्रशासन द्वारा भोजन नहीं पहुंच पा रहा था। वहीं जब मीडिया की टीम ऐसे परिवारों से मिलने उनके कॉलोनी पहुंची, तो उन्होंने बताया कि समाज सेवी गौतम खंडेलवाल उन्हें भोजन उपलब्ध करवा रहे थे, मगर जब से उन्होंने भोजन वितरण बंद किया है तब से उनके बच्चे भूखे बैठे हैं। कॉलोनी में पहुंचे समाज सेवी लोगों की स्थिति देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाए और वहां खड़े होकर रोने लगे, जिसके बाद मीडिया की टीम के लोगों ने प्रशासन से संपर्क साध कर गरीब एवं असहाय लोगों के लिए खाना उपलब्ध करवाया। ये डंडा मारते पुलिस वाले खाना लेने जाए तो अब हमारे जो ऊपर बैठा है वो बेचारा राशन दे, हमें तो कहाँ से दे, वहाँ पहुँचेंगे तभी तो लाएंगे, हमें परमिशन नहीं मिली उन्हें। तो इसकी शिकायत इन लोगों से कभी आपने प्रशासन से करवाई है? इनसे हमने कहा 112 पे कॉल करी, बेचारे करते हैं पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं, एक दो दिन आया था, एक टाइम आता है आता नहीं, फिर मैंने खुद कॉल करी थी एक बार, लेकिन ऐसे कोई आए थे 4 पहिए गाड़ी से और ये कह गए अपने अपने गाँव जाइए, यहाँ पे क्या कर रहे, बहुत लंबा लॉकडाउन है।